आप सभी को एक बार जय हिंद, जय गैलवे, जय भारत। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बड़े सौभाग्य की बात थी कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे बीच में हमारे सर का कॉल आया और हमको जाने का मौका मिला, दिल्ली ट्रेनिंग में सीखने का मौका मिला, जो कि कल 7 तारीख को मैं दिल्ली में ही था। फिर वापस आज सुबह मैं अपने प्रयागराज की भूमि पे वापस से आ गया। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें कि हमारे काफी समय बाद सर से मुलाकात हुई, चेतन सर से भी मुलाकात हुई, संजीव सर से भी, सरबजीत सर से भी, कुछ सर से भी, बाकी हमारे नसीम सर और भी काफी सारे ग्रेट ग्रेट अप्लाइंस लोग थे वहां पे, जिन लोगों से मुलाकात हुई। तो मैं भी आप सभी लोगों से भी कहूंगा कि बिल्कुल लगिए और लग करके काम करिए। तो कुछ ट्रेनिंग्स मैंने ली थी कल, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार बातें हैं जो कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या रेडी हैं आप सभी लोग? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मैं बात करने चल रहा हूँ अब आप सभी के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा विश्वास। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा विश्वास है। विश्वास एक ऐसी चीज है कि हमें विश्वास कुछ भी करने से पहले, सबसे पहला चीज हमें अपने आप पर यानी खुद पर होना चाहिए। ठीक है, खुद विश्वास। ठीक है, जिनका भी प्लीज अनम्यूट हो म्यूट कर लें, और जरूरत होगी तो अनम्यूट होकर के जरूर से अपना रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात आती है विश्वास पे, हमारा खुद का विश्वास, यानी हम खुद पर अगर विश्वास करते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो हमारा, जैसे कि हमारे गैलवे बिजनेस है, गैलवे बिजनेस को करने से पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए उस चीज को करने का, उस चीज को पाने का। ठीक है, कि जैसे कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि खुद पर विश्वास करने के लिए कहीं ना कहीं आता है अंदर से, क्योंकि गैलवे बिजनेस में जितने भी लोग आए हैं आज, उनके अंदर एक बार ये बात आई होगी कि मुझे कुछ करना है। कुछ करने से मतलब क्या है, कि कुछ नया, कुछ अलग, दुनिया में, लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, अपने ऑल अबाउट जितने भी रिलेशन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कुछ अलग करने की अंदर से मनसा आई होगी कि मुझे कुछ करना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। बिल्कुल, सपोर्ट आप सभी लोग बढ़िया से बनाइएगा, जिससे कि मैं और बेहतर आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, कि सबसे पहले कुछ कुछ करना है, यानी मुझे कुछ करना है, और उसके ऊपर मैं कुछ लोगों का, आप लोग जानते भी होंगे उन लोगों को, मैं उन लोगों का मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। जैसे कि आप जानते होंगे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को जानते हैं? महात्मा गांधी कौन थे? मैं पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी कौन थे, क्या आप मालूम है किसी को? जी आदेश सर, आप कुछ कह रहे, म्यूट है आपका। तो मैं पूछ रहा था कि महात्मा गांधी कौन है, कोई बताएगा हमें? अच्छा, हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिस कामयाबी के लिए, जिस नोट के लिए हम लोग चलते हैं, उनमें उसकी फोटो लगी रहती है, चाहे वो 10 की नोट हो, चाहे 500 की नोट हो, हर नोट में वो बने होते हैं। आप महात्मा गांधी को नहीं जानते, तो जब आप महात्मा गांधी को नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल, देखिए आदित्य सर दिखा रहे हैं, बिल्कुल आदित्य सर, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं इनके ऊपर बताने चलता हूँ। अब ये आप लोग जानते होंगे, हर कोई आम तौर से जानते हैं कि राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, अभी 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस भी मनाया गया है कि नहीं? तो राष्ट्रपिता से पहले वो ना एक वकील थे, यानी वकालत किया करते थे। ठीक है, वकालत करते करते कुछ उनके जीवन में कुछ ऐसा बातें घटित हुई, कुछ चीजें ऐसी घटित हुई कि उनके अंदर आया मन में कि मुझे कुछ करना है, और उस करने को लेकर के उन्होंने अपने अंदर पहले जगाया अपने अंदर विश्वास।
खुद पर विश्वास। जब उन्होंने खुद पर विश्वास किया तो आज वो वकालत से का सफर से लेकर के उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक का सफर पूरा किया। ठीक है, उसी तरीके से मदर टेरेसा को भी जानते होंगे काफी सारे लोग, है कि नहीं? मदर टेरेसा को जानते हैं? नहीं जा अगर जानते हैं? ओके ओके, ठीक। ओके, तो मदर टेरेसा भी, उनका भी बताया जाता है कि वो एक टीचर थी। अब लोग उनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो, उनको भी अंदर थी वो टीचर, मगर उनको भी कुछ करने का अंदर से था कि मुझे भी कुछ करना है, ठीक है, मुझे भी पूरे जीवन में कुछ कर जाना है, कुछ करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, खुद पर विश्वास किया। ठीक है, खुद पर विश्वास किया तो आज वो मदर टेरेसा के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग समझते होंगे कि मदर टेरेसा का आज अगर बात करें तो शायद अपने देश के अलावा और भी जगहों पर, कई जगहों पर जो कि उनके नाम से लोगों को क्या है, फ्री में खाना पीना प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, और वो सेवा करने के लिए वो आगे आई। और साथ ही साथ वो नर्स, शायद उन्होंने नर्स बनी थी, नर्स बनने का काम उन्होंने किया था, टीचर से नर्स तक का सफर किया और उस चीज को और आगे बढ़ाया। तो आज वो, एक बात की जाए तो नर्स भी हर कोई बनता है कि नहीं? नर्स तो अगर मैं कहूँ हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा आपके आसपास जितने भी हॉस्पिटल है, मगर उन्होंने एक अपना वहां पर नाम पहचान बनाया उस नर्स की लाइन में होकर के भी, कुछ अलग करके। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिटेल से गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी को, धीरू भाई अंबानी को भी हर कोई जानता ही होगा। धीरू भाई अंबानी कौन थे, क्या करते थे, किसी को मालूम है? स्टार्टिंग का समय जब वो किया क्या करते थे? बिल्कुल बिल्कुल आदि सर, ठीक कहा आप जी। बिल्कुल, उन्होंने ना पेट्रोल पंप पे जॉब तो की, पर वो इंडिया में नहीं थे, वो तुर्क में, तुर्की जिसको कहते, तुर्की में उस टाइम पे जॉब पा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उन्होंने भी जॉब पेट्रोल टंकी पे तेल भरते भरते उनके अंदर भी एक, अंदर एक बात आई कि मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन से, वो आ गए वापस अपने देश भारत और पिताजी से कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी है, और जॉब क्यों छोड़ा, कुछ करने के लिए। ठीक है, और कुछ करने के लिए क्या, खुद पर सबसे पहली चीज होनी चाहिए विश्वास, कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ विशाल अगर करना है तो खुद पर होना चाहिए विश्वास। ठीक है, क्योंकि खुद पर रहेगा विश्वास तो ही जाके बनेगी बात आगे चल के। तो अगर इनके कहानी को सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ, उसको फ्री रहिए तो अकेले में या डाउनलाइन के साथ जरूर से उसको, यानी फ्री टाइम पे, जैसे अक्सर कल हलीम सर भी हम लोग बता रहे थे, क्या है कि नोटिफिकेशन आता है तो कहीं रील्स देखने में लग जाते, तो कहीं व्हाट्सएप का रील्स, तो कहीं इंस्टाग्राम का, तो कहीं फेसबुक का, तो कहीं यूट्यूब का। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ मूवीज हैं, मैं आज बताता हूँ, जैसे कि गुरु, गुरु एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आप देखिएगा, आपको धीरू भाई अंबानी के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जान रहे होंगे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं सभी लोग? है कि नहीं? कहीं पहले एक साइंटिस्ट थे, है कि नहीं? एक साइंटिस्ट होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, देश के राष्ट्रपति बनने के लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पर विश्वास किया। ठीक है, खुद पर विश्वास करने के साथ फिर जा करके वो कहीं ना कहीं देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तब जा करके, क्योंकि साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट रहने के साथ साथ उनके अंदर भी वही बात आई खुद पर विश्वास करने की, और मुझे कुछ करना है जीवन में। ठीक है, नहीं तो वो साइंटिस्ट तो आप भी, आप जानते होंगे बहुत सारे हैं जिनको कोई जानता नहीं, मगर एपीजे अब्दुल कलाम को देश से छोड़िए विदेश तक लोग जानते हैं कि एक एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्ति थे जो कि इंडिया में थे, और उन्होंने साइंटिस्ट होने के साथ राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, जिन लोगों का अनम्यूट हो जा रहा है, देवेंद्र जी, विवेक जी, आप सभी लोग अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें, जिससे कि बाकी सभी लोगों को भी
हमारी बातें प्रॉपर सुनाई देती रहे, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद रजनीकांत का भी नाम सुने होंगे, बाकी सारे लोग तो पुराने थे। रजनीकांत तो आज भी आप सभी के सामने हैं, आप सभी के सामने जीवित व्यक्ति हैं। रजनीकांत जी अगर मैं बात करूं तो सब आई थिंक ऊपरी तौर से कोई जानते होंगे कि वो एक्टर हैं, है ना, कि फिल्म साउथ इंडिया में एक एक्टर का काम करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, हीरो का रोल करते हैं, विलन का रोल करते हैं, यही जानते होंगे। मगर उनके अंदर भी एक इस चीज के साथ साथ एक अंदर भावना है कि मुझे कुछ करना है, और उस पे उनको करने के लिए खुद पर विश्वास किया। तो आज की डेट में अगर आप साउथ में पूछेंगे ना, वो वहां के लोगों के लिए क्या है, तो समझ जाइए भगवान बनने का उन्होंने काम किया है, ठीक है। भगवान का मतलब आप समझते ही होंगे कि क्या होता है, क्या करते हैं भगवान, यानी कि हर तरह की मदद है कि नहीं। भगवान से हम क्या चीज मांगते हैं, भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है कि नहीं। जब भी मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, जहां पे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो भी चीज मांगते हैं, कहीं ना कहीं लगभग लगभग सारी चीज मांगते हैं कि भगवान खुशी भी देना, ये भी देना, वो भी देना। तो समझिए साउथ में उन्होंने भगवान बनने का रोल निभाया है। उसके बाद आप जानते हो विराट कोहली एक क्रिकेटर है कि नहीं। विराट कोहली क्रिकेटर है, जो कि आपको मालूम था एक साधारण सा लड़का था, साधारण सा बच्चा था, जो कि उसने भी उस टाइम पर कुछ कर गुजरने का कि मुझे कुछ करना है करने को लेकर के खुद पर विश्वास किया, और खुद पर विश्वास करने के साथ आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर है, और शायद मैं देखता नहीं उतने अच्छे से, आई थिंक मेरे ख्याल शायद कैप्टन भी है। क्या सही बात है? ओके ओके, मैंने कहा ना मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि उधर बीच मैंने जब सुना था तो मतलब उन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन अभी नहीं है, पर कैप्टन बन इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर होने के साथ साथ कैप्टन तक का भी सफर उन्होंने पूरा किया है। और आज कुछ चीजों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स के प्रचार वगैरह भी करते हैं, आप लोग टीवी में पेपर में देखते ही होंगे, ठीक है। तो देखो हर व्यक्ति क्या है, आम ही आदमी होता है, आप और मैं भी एक आम आदमी ही हैं, पर डिपेंड है कि हम खुद पर कितना विश्वास कर रहे हैं, खुद पर हमारा विश्वास कैसा है। गैलवे बिजनेस में आए हैं, ठीक है, आपने देखा आपके सामने भी गैलवे बिजनेस में काफी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। गोप सर हैं, नसीम सर हैं, अलीम सर हैं, और भी काफी सारे आप देखते होंगे ट्रेनिंग्स में, मीटिंग में, कहीं ना कहीं वीडियोस में आपको काफी सारे लोग दिखते होंगे। वो सब लोग कौन हैं? वो वही लोग हैं जो इस गैलवे बिजनेस में आए थे, और इस गैलवे बिजनेस को देखने के बाद उनके अंदर भी एक बात आई कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे कुछ करने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम उस चीज को कर सकते हैं। हाँ, उस चीज को मैं पूरा पूरा करूंगा, चाहे जैसे भी करना पड़े मैं उस चीज को कर लूंगा, चाहे कितना भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानियां आए, ठीक है। काफी सारे देखो परेशानी की अगर मैं बात करूँ, बहुत तरह तरह की परेशानी आती हैं, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, अक्सर कर हम लोग डिसबैलेंस करने लगते हैं अपने आप को, ठीक है। मगर मैं बता दूं, अगर आप कुछ समय भी अपने आप को समझाएंगे और उसी विश्वास के साथ अपने समय पे अपने काम पर फोकस रखेंगे, तो पहली चीज कि आपका ध्यान रहेगा काम पर। तो काम पर ध्यान रहने से आपकी जो परेशानी है, पहली चीज जी, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? जी, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को, आप लोगों को? सर, हो सकता है कि आपका नेटवर्क, ठीक है। विश्वास पॉइंट में मैंने बात किया पहली चीज कि खुद पर विश्वास, और खुद पर विश्वास अगर है आपको, कहीं ना कहीं 50% आपको भरोसा हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कंपनी पर विश्वास की, ठीक है। अगर आपको कंपनी पर भी विश्वास है तो 50% खुद पर विश्वास, ठीक है, 50% कंपनी के ऊपर विश्वास, ठीक है।
50% जब हमने खुद पर विश्वास किया कि इस गैलवे बिजनेस में मैं जीडीडी से डायरेक्टर और ऊपर तक के लेवल को मैं सफर को पूरा करूंगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास हुआ। और खुद पर विश्वास करने के साथ साथ हमने विश्वास किया कंपनी पर। कंपनी पे जब विश्वास किया तो 50% हमने खुद पर किया और 50% विश्वास आया कंपनी पे विश्वास करने, तो कहीं ना कहीं 100% हमारा यहाँ पर विश्वास बन जाता है। और जब ये हमारा विश्वास 100% बन जाता है तो हमें कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है। और जिस चीज के लिए आपने विश्वास किया था, ठीक है, कि किस मुकाम पे, किस लक्ष्य पे, किस गोल पर जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां तक आपका सफर पूरा हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट पे। मैं आप सभी को कल की ही जो चीजें सीखी हैं मैंने उन्हीं में, क्योंकि मैं कुछ सर के तरह तो आप लोगों को चेतन सर के तरह तो नहीं सिखा सकता, मगर हाँ अपने अकॉर्डिंग मैंने जितना सीखा है और जितनी तैयारी की है मैं आप लोगों को उसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी के बिजनेस प्लान पैसा कैसे देती है। ठीक है, उसको जानने के लिए सर ने कहा था कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, ठीक है, अक्सर कर ज्यादातर लोगों को बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बिजनेस मैन है, बिजनेस गर्ल है, बिजनेस वुमेन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस प्लान काम कैसे करता है, किस जगह पे कितना क्या करें कि वहां से एक अच्छा इंसेंटिव, लाजवाब शानदार सा इंसेंटिव हमारे बीच में निकल कर के आए, हमारे लिए भी, हमारी टीम में, ठीक है, तो कैसे होगा। और क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे इंसेंटिव के मामले में हमारे बीच में एक ही शानदार लीडर जीडीडी सर हैं, जो कि मुद्रिका गोप सर हैं, ठीक है, जो कि आज तक उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट 35 लाख 40 लाख रुपया महीना, मैं साल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 35 लाख 40 लाख रुपया महीना उन्होंने इस बिजनेस से कमाया है। क्यों कमाया है? क्योंकि आप और जिन लोगों ने उनके अगर ट्रेनिंग ली होगी या शेयरिंग सुनी होगी वो अक्सर कहते हैं कि बिजनेस प्लान की स्टडी करिए, बिजनेस प्लान की स्टडी करिए, बिजनेस प्लान। बिल्कुल आदित्य सर, बिल्कुल आदित्य सर ने लिया है। तो बिजनेस प्लान की स्टडी करिए, बिजनेस प्लान की स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से कंपनी का इतना शानदार बिजनेस प्लान डिजाइन किया गया हमारे आपके लिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार बिजनेस प्लान हमारे कंपनी का है, बस एक बार उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि देखो आज की डेट में बहुत सारी कंपनी है, एक नहीं, और आए दिन खुलती हैं, 2 महीने 4 महीने के बाद खत्म हो जाती हैं, कुछ लुभावनी होती हैं, कुछ लोगों को लालच में बुलाती है, कुछ कंपनियां कहती हैं कि आप जितना अपने कंपनी में करो उतना मेरे में ही कर दो, तो मैं आपको जितना आपकी कंपनी देती है उससे 4 गुना दे दूंगा। ठीक है, तो कल की जो मीटिंग में बताया गया, अगर कोई प्लान जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं वो आज की डेट में देखिएगा कि वो आज की डेट में कंपनी वो है कहीं ना कहीं साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल में खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके कंपनी में फ्यूचर नहीं है, वो आज लालच दिए, लोगों को लूटा, कुछ लोगों को पैसा दिया, फिर भाग गए, फिर दूसरे नाम से कंपनी खुली। ठीक है, क्योंकि आप अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग जान रहे होंगे कि मार्केट में आए दिन नई नई कंपनियों का नाम सुनने को मिलता रहता है, कभी कोई। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे, मैं सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो सिर्फ गैलवे का, मैं किसी दूसरे कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां आती जाती रहती है, तो सर का कहना है कि हमें बिजनेस प्लान की स्टडी करनी है और अपने डाउनलाइन में भी स्टडी करवाना है। ठीक है, हमें खुद भी स्टडी करते रहना है बिजनेस प्लान हमारा कैसा है, कैसे पैसे आते हैं, किस तरह से, किस लेवल पे, कहाँ पे, कब, किस रूप से बिजनेस करें, कब किस महीने में बिजनेस कैसा डालें कि हमारा इंसेंटिव सब धुआं की तरह भागे, एकदम हवा की तरह भागे। ठीक है, तो बिजनेस प्लान की स्टडी जरूर करिए। मैं इसीलिए कभी कदर आप लोगों के बीच में बिजनेस प्लान को लेकर के भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, तो मैं कहूंगा एक एक लोग से, यहाँ टोटल में 16 लोग अभी अवेलेबल हैं मुझको लेकर के, तो मैं सभी से कहूंगा, अगर जितने लोग ही बात मेरी सुन रहे हैं, अगर अभी भी बिजनेस प्लान को स्टडी नहीं मालूम है, बिजनेस प्लान कैसे सर काम करता है, सर कितने का इंसेंटिव बनाने की कितना क्या करना पड़ेगा, मैं जिस लेवल पे, मुझे इतने इंसेंटिव पाने के लिए क्या करना, तो आप खुद पहले
आइए और अपने अपलाइन से जरूर उस चीज को लेकर के बैठिए, सर मुझे प्लान बताइए, मैं यहाँ पे सर आराम करने के लिए नहीं आए। तो जो लोग आराम करने के लिए आए हैं वो आराम करेंगे, जो पैसा कमाने के लिए, जो पैसा छापने के लिए आए हैं वो फटाफट बिजनेस प्लान की स्टडी करेंगे और बिजनेस प्लान पर काम करके अच्छा अच्छा पैसा कमाएंगे। छोटे छोटे गोल्स वो पूरा करना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करना शुरू कर देंगे और अंत में वो एक अच्छे बिजनेस मैन के रूप में जाने जाएंगे, कामयाब गैलवे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर, और लेवल उनका होगा LDD, GDD, हो सकता है कि डायरेक्टर, क्योंकि कल की डेट में सरबजीत सर ने भी कहा था कि जितने भी लोग हमारे बीच में हैं अभी काम कर रहे हैं, अभी उनका कहना है कि हमारे पास डायरेक्टर्स बनने के लिए, यानी उनके पास भी और भी ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट है जिसके लिए उनको भी डायरेक्टर की जगह खाली है, जिसके के लिए उनको ऐसे कामयाब, ऐसे सफल लोग चाहिए जो कि उन लोगों को वहां पर बैठाया जा सके। ठीक है, तो आप ही लोग हो सकता, उनमें से भी हम 16-15 लोग हैं, उनमें हम सब में से ही कोई हो सकता है जो कि आने वाले टाइम का कहीं ना कहीं डायरेक्टर बन सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ GDD बनने तक का मैं सफर यहाँ पूरा करना नहीं चाहता, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है कि मैं कंपनी के एक डायरेक्टर लेवल पर जा करके बैठूं। ठीक है, तो ये रही हमारी बात। और तीसरा पॉइंट मैं बात करता हूं कि अपने काम पर फोकस करें। ठीक है, अपने काम पर फोकस, यानी हमारा जो फोकस कहाँ होना चाहिए, अपने काम पर, यानी कि हमारा गैलवे बिजनेस, हमारा गैलवे बिजनेस पे हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अक्सर कर कोई भी कुछ कह देता है, कुछ भी बात हो जाती तो हमारा ध्यान बदल जाता, हमारा ध्यान चेंज हो जाता, हमारा रूट बदल जाता है। ठीक है, जब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो फिर हम अपने ट्रैक पे थोड़ा सा आते हैं, फिर किसी ने कुछ कह दिए तो चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, बिजनेस मैन है। तो जब आपको प्लान की स्टडी हुई रहेगी तो आप अपने ट्रैक से कभी नहीं बदलेंगे, आप अपने ट्रैक से कभी नहीं उतरेंगे। मैं आपको कहूंगा कि आप अभी जो भी जिस भी लेवल पे हो, आप अपने आप को, मैं कहूंगा कि आप अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड पैदा करिए जैसा एक एटीट्यूड एक LDD में, एक RD में, एक GDD में होता है। ठीक है, कि आप खुद को ऑब्जर्व करो कि मैं हाँ एक इस तरह का व्यक्ति हूँ। क्योंकि जब आप उस चीज को अंदर से धारण करते तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उस जगह तक आप लोग पहुंच भी जाते। तो उसमें जो है अपने काम पर फोकस करें, तो उसके लिए 4 रूल है। ठीक है, बाकी समय तो 8:30 बज रहा है, मैं कोशिश करता हूँ जितना कवर कर सकूँ, नहीं तो अगर कल मौका मिलेगा मुझे तो मैं कल भी करूँगा, नहीं तो जब मिलेगा या जैसे भी तो बात करेंगे आगे। क्योंकि कल की जो ट्रेनिंग थी वो चली थी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, तो सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग आधे घंटे में बताना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, फोकस ऑन गोल, फोकस गोल। अभी हमारे बीच में मैं अगर पूछूं कि कितने लोग हैं जिनका लक्ष्य गोल बना हुआ है, मेरा गोल से मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 करोड़ का बंगला, मर्सिडीज कार, BMW कार, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, वो नहीं। अभी हमारे लेवल के हिसाब से हमारा कौन सा लक्ष्य है, हमारा कौन सा गोल है, कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनका लोगों का गोल सेट है, अभी बन चुका है, यानी कि छोटे छोटे मैं गोल्स, टारगेट, लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो जैसे कि दिल्ली मीटिंग होने वाली है और आपको जाना है, तो आप किस तरह से जाने वाले, क्या आप जनरल बोगी में जाने वाले हैं, या आप फर्स्ट AC में जाने वाले हैं, या आप थर्ड AC में जाने वाले हैं, या स्लीपर में जाएंगे, या सेकेंड AC में जाएंगे, या कोई ऐसी चीज है जैसे मान लीजिए आपको फोन परचेस कोई करना, दिवाली आ रही, फोन परचेस करना है, या कोई और ऐसी तरह से रिलेटेड घर की कोई चीजें हैं जिसको परचेस करना, क्या किसी का कोई ऐसा लक्ष्य बना हुआ है, किसी का कोई लक्ष्य है? ओके, शिव सर का बना हुआ है जी, और किसी का बना हुआ है लक्ष्य गोल टारगेट है? ओके, सोनू सर का बना हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और किसी का बना हुआ है? ओके, चलिए शुक्रा सर का, आदित्य सर का, ओके विवेक सर का बना हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अगर मैं कहूंगा जितने लोगों का बना हुआ है
मैं कहूंगा वो अपने सही लाइन पे हैं, और मैं कहूंगा बाकी सभी लोगों से कि जरूर से जिन लोगों ने बनाए वो भी, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो, जिन लोगों ने बनाया उन लोगों के लिए एक बार जरूर से छोटी छोटी क्लैपिंग करिए। मैं आप सभी लोग से कहूंगा बिल्कुल, जिन लोगों ने बनाया है जरूर से छोटा सा एक क्लैप होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना अपना लक्ष्य बना रखा है। बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का। और जिन लोगों ने नहीं बनाया तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अपना लक्ष्य अपना टारगेट जरूर बनाए, क्योंकि घर से निकले हैं और मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो काम भी हम बात करें करें तो अगर अंधे बहरों की तरह करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि जब हमारे पास कुछ साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हमको, मान लो अब जैसे आपको पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर आपका गोल सेट हो चुका है। अब आप निकल जाओगे कि हाँ मुझे इतने समय पे इतने बजे पे ट्रेन पे बैठूंगा तो मैं उस गोल पर पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? और अगर हमारे पास गोल ही नहीं है तो फिर हम रोड पे निकल के इधर उधर टहल घूम के फिर वापस कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गोल बना नहीं है, हमारा टारगेट यहाँ पर बना नहीं है। तो गोल बनाइए जरूर से, टारगेट जरूर से क्लियर करिए, पूरा का पूरा टारगेट बना करके अपना लक्ष्य बना करके उस पर काम करिए। गोल क्यों बनाना चाहिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं क्योंकि गोल हमारे इस बिजनेस में ना, आपको जैसे कि बात किया मैंने खुद पर विश्वास, कंपनी के ऊपर विश्वास हो गया, ठीक है, अब आप आ चुके हो अपने ट्रैक पर। अगर मैं बात करूँ ट्रेन चढ़ गई और ट्रेन को पता नहीं है पर अब जाना कहाँ है, तो ट्रेन कहाँ जाएगी क्या लगता है? कहीं ना कहीं चलती रहेगी, बस चलती रहेगी, चाहे धीमे चले चाहे तेज चले चाहे रुकी रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेन को पता नहीं है कि जाना कहाँ है। और ट्रेन को अगर पता चल गया कि उसे मुंबई पहुंचना है, ठीक है, तो वो फिर उसको समय भी दे दिया गया कि मुंबई पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, कल पहुंच जाना है, कल दोपहर तक मुंबई पहुंचना है, तो वो उस तरह से उस रफ्तार से उस स्पीड से उस पर काम करते हुए वो मुंबई पहुंच जाएगा। और गोल बनाने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आ रहा है अपना, मान लीजिए दिवाली आ रही है, ठीक है। अब दिवाली में आप एग्जाम्पल फॉर कुछ परचेज करना है, आपने छोटा सा गोल रखा है, मैं कहता हूँ कि चलिए इतना जल्दी नहीं रखते हैं तो और थोड़ा बाद में रख लेते हैं, नवंबर दिसंबर में कुछ, मान लीजिए बर्थडे आ रहा है किसी का, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। तो अब बर्थडे आ रहा है, बर्थडे पे क्या करना चाहते हैं, क्या चीज परचेज करना चाहते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल फॉर मैं फोन का ही ले लेता हूँ, ठीक है, फोन ही लेना है हमको, ठीक है। तो आप मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, प्राइस क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें एक कॉपी में आपका लाइन से लिखा रहना चाहिए। कब लेंगे, किस तारीख को लेंगे, किस दिन लेंगे, किस कलर का लेंगे, एक एक चीज आपका वहां पे नोट आउट होना चाहिए। अगर आपका एक एक चीज नोट आउट है तो कहीं ना कहीं जा करके आप वो चीज को पक्का है कि आप उसको परचेज कर लेंगे। और अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आपका टारगेट नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को परचेज कर पाना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे मैंने बात की ना अभी ट्रेन की, हम भी कहीं ना कहीं ट्रेन के तरह ही हैं, ठीक है। हमारे पास लक्ष्य नहीं होता, हमारे पास गोल नहीं होता, तो हम बस जब समझ में आ रहा है तो अप्रोचिंग कर लिया, मन किया तो प्लान दे दिया, ठीक है, समय मिला तो बिजनेस पे ध्यान दिया, नहीं तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अटेंड करके 8 तारीख को फिनिश कर दिया, ठीक है। और जब आपका टारगेट बन जाएगा, आपका गोल बन जाएगा, तब आपका क्लियर है कि आपको मुंबई पहुंचना है, मुंबई पहुंचने के लिए क्या करना है, यानी कि आपका गोल सेट है कि दिसंबर 15 तारीख को आपको ये चीजें प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या है, कम से कम मुझे डेली इतने लोगों से बात करनी होगी, कम से कम 2 से 3 दिन में, 1 दिन में इतने प्लान मेरे डेली होने चाहिए, और महीने के अंदर तक में इतना ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए, इतना ज्वाइनिंग अगर आएगा तो इतने का इंसेंटिव बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें बातें फिर ऑटोमेटिक जुड़ी हैं। जब बिजनेस प्लान की स्टडी रहेगी तो आप टारगेट लिख पाओगे और आप उसको कब तक अचीव करना है उसको अचीव कर पाओगे। अगर आपको टारगेट गोल बनाने में नहीं समझ में आ रहा अभी भी, ठीक है, तो आप अपने पर्सनली बैठ करके अपने अप्लायंस के साथ ग्रुप मीटिंग करके या जैसे भी बातचीत करके आप अपना गोल बनाने के लिए पूछिए कि सर मैं गोल अपना कैसे बनाऊं, ठीक है, कि किस तरह से मैं अपना गोल बनाऊं, और सर थोड़ा प्लान के बारे में जानिए कि सर मेरा ये गोल है। तो आप जब गोल जान जाएंगे
तो आप प्लान भी समझ लेंगे कि सर मुझे अब क्या करना होगा इसके लिए, तो आपको सर बता देंगे पेन कॉपी लेकर के, आप इस तरह से काम करिए और आप अपने इस गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गोल पूरा करने के लिए चाहिए हमें क्या, इंसेंटिव, पैसा। पैसा इंसेंटिव आएगा कहाँ, बिजनेस प्लान से। बिजनेस प्लान होगा कैसे, जब आप बिजनेस प्लान की स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी के सारी चीजें आप सभी लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस प्लान की स्टडी करिए, अपना गोल बनाइए, खुद पर विश्वास करिए, कंपनी पर विश्वास रख करिए, और बेहतर तरीके से लग करके अपने बिजनेस को खुद और अपनी डाउनलाइन के साथ मिलकर के बेहतर से बेहतर अपना बिजनेस जरूर करिए, ठीक है। तो